अस्सलाम वालेकुम सो आज की हमारी ये वीडियो जनरल साइंस एम की जो लास्ट वीडियो थी उसकी कंटिन्यूएशन में है उस वीडियो में हमने ये देखा कि एस्ट्रोनॉमी के, के पोर्शन से हमसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं सो वी सॉ के क्या क्या चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत थी तो हमने वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा अपने एम को सही से अटैम्प्ट करने के लिए और सो right? so, आज इस वीडियो में हम एस्ट्रोनोमी पोर्शन से रिलेटेड तमाम एम जो भी पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उन्हें अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ऑल राइट सो लेट्स बिगिन विद इट सो फर्स्ट हमारा uh, जो एम सी क्यू है दैट इज़ एम सी क्यू इज़ के ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑप्शन आर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर कैंडल फुट एंड पार्सक सो अगर आपको याद हो तो हमने बुक में ये देखा था लाइक यू कैन सी हेयर कि इसमें लिखा है क्लियरली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पार्सिक आर दी यूनिट्स फॉर मेयरिंग ह्यूज डिस्टेंसेज ऑल राइट सो दैट मीन्स कि ये तीनों हमारे ऑप्शन ठीक हैं तो विच वन इज द रॉन्ग आंसर इज नंबर डी दैट इज़ फुट कैंडल इसी तरह हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिट फॉर मेयरिंग डिस्टेंस उसमें हमारे पास तीन ऑप्शन हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर पार्सिक डी है ऑप्शन ऑल ऑफ दिस तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज उसी तरह हमारा नेक्स्ट एम सी क्यू है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वन लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोथ ऑफ दीज लास्ट इज नन ऑफ दीज सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन ही यही है कि इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन अगेन लेट्स सी नेक्स्ट एम सी क्यू दैट इज़ के वन लाइट ईयर इज़ इक्वल टू एट सी ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन इज एज़ ड्रेवल्ड बाई लाइट नंबर बी ऑप्शन इज डिटेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वन ईयर नंबर सी इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ नंबर डी ऑप्शन इज नन ऑफ दबाब सो हमने ये देखा था कि लाइट ईयर की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर सो ऑबियसली नाउ यू कैन सी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इट इज़ ऑबियसली बी हमारा अगला एम है सोलर मास इज ऑप्शन ए इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास ऑप्शन बी इज़ 1.98 पॉइंट नाइन एट इंटू टेन पावर थर्टी के जी एंड ऑप्शन सी इज़ बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव अगर आपको याद हो तो जब हमने बुक से पढ़ा था तो हमने वहाँ पर ये बात देखी थी कि एस्ट्रोनॉमी के लिए एक अलग से सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया विच इज़ दी एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स और हमें इसमें मास लेंथ और डिस्टेंस के यूनिट्स बताए गए और अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास की बात की जाए तो दैट इज़ सोलर मास और अगर सोलर मास की हम बात करें तो दैट इज़ द मास ऑफ़ सन विच इज़ इक्वल टू वन पॉइंट नाइन एट इंटू टेन एस पावर थर्टी के जी और राइट सो नाओ यू कैन सी के अब हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिकॉज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट राइट So this is our answer. C is correct. Okay, our next MCQ is about the origin of universe. It is that which theory explains the origin of universe. Option A is bubble theory. Number B option is Big Bang theory. C is both of these, and D is none of the above. So now you know. Okay, obviously our answer, which is correct, hai, that is B, Big Bang theory, because Big Bang theory explains the origin of universe. जो कि यह कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और अब इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है ओके नाउ आर नेक्स्ट एम सिंग अबाउट द एज ऑफ यूनिवर्स इट सेज दैट हाउ ओल्ड इज़ आर यूनिवर्स ऑप्शन नंबर ए इज़ अराउंड थर्टीन पॉइंट सेवन बिलियन ईयर्स ओल्ड ऑप्शन नंबर बी इज़ फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स ओल्ड ऑप्शन नंबर सी इज़ हंड्रेड बिलियन ईयर्स ओल्ड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबाब सो so, हमने जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि हमारा यूनिवर्स तकरीबन बिगिन हुआ था अराउंड थर्टीन पॉइंट सेवन बिलियन ईयर्स अगो सो ऑब्वियसली नाउ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट एम सी क्यू इज़ दैट वॉट इज़ द एज ऑफ आर सोलर सिस्टम ऑप्शन नंबर इसके सेम हैं चारों ऑप्शन सेम हैं और इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स ओल्ड जाहिर है सबसे पहले हमारे यूनिवर्स बना एंड ओवर द टाइम हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया ठीक है और यही चीज़ एक्सप्लेन करती है हमारी बिग बैंग थ्योरी तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना आपने आपसे यूनिवर्स की एज पूछी जाए तो दैट इज़ थर्टीन पॉइंट सेवन बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड अगर आपसे सोलर सिस्टम की एज पूछी जाती है तो दैट इज़ फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स डू कीप दैट इन माइंड और नेक्स्ट एम सी क्यूज आर मिल्की वे गैलेक्सी

गैलेक्सी स्पायरल गैलेक्सी और इेगुलर गैलेक्सी सो हमने ये पढ़ा था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक डिस्क शेप गैलेक्सी है और ये एक स्पायरल गैलेक्सी है और इसके सेंटर में एक बल्ज है और सराउंडिंग में इसकी आर्म्स हैं सो दिस इज़ द शेप ऑफ आर मिल्की वे गैलेक्सी सो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज स्पायरल गैलेक्सी नाउ देयर इज एन अनदर एम सी अबाउट द शेप ऑफ गैलेक्सीज तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी वट आर द शेप्स ऑफ गैलेक्सीज ऑप्शन नंबर ए इज़ एलिप्टिकल ऑप्शन बी इज़ स्पायरल ऑप्शन सी इज़ इरेगुलर गैलेक्सीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है डी दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव क्योंकि यही तीन जो हमारी शेप्स बताई गई हैं हमें गैलेक्सीज़ की इसके बाद हमारा एम सी क्यू है द रीजन ऑफ स्पेस विच इज डार्क डेंस

सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इसके बाद है कि सन टेक्स अराउंड हाउ मेनी ईयर्स टू ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी तो हमने अगेन ये बात पढ़ी थी कि सन टेक्स अराउंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन ईयर्स टू ऑर्बिट अराउंड दी मिल्की वे गैलेक्सी तो अगेन हमारे इस सवाल में जो हमारे चारों ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं और जो सही आंसर है दैट इज़ टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन ईयर्स नेक्स्ट एमसीक्यू से क्यू इज़ विश वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी ऑप्शन ए इज़ सेजिटेरियस आर्म ऑप्शन बी इज सेंटोरस आर्म ऑप्शन सी इज़ सिग्नस आर्म एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो अगेन आई टोल्ड यू के हमारी जो मिल्की वे की गैलेक्सी है उसकी फोर मेजर आर्म्स हैं और उनके नाम हैं पर्सियस आर्म सेजिटेरियस आर्म सेंटोरस आर्म और सिग्नस आम सो ऑब्वियसली और ऑप्शन डी इज़ करेक्ट दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट इज के मिल्की वे गैलेक्सी लाइज इन विच प्लेन ऑप्शनज़ आर ए इज़ एक्स एक्सिस प्लेन बी इज़ गैलेक्टिक प्लेन सी इज़ वाई एक्सिस प्लेन एंड डी इज़ जेड एक्सिस प्लेन तो हमने ये भी बात की थी कि और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इट्स मैंशन की द रीजन इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाई मिल्की वे इज़ कॉल्ड गैलेक्टिक प्लेन। सो आर आंसर बी इज़ करेक्ट हमारा अगला एम सी क्यू है कि आर सोलर सिस्टम लाइज इन विच आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी ऑप्शन ए इज़ और आर्म, ऑप्शन बी इज माइनर आर्म ऑप्शन सी इज़ और स्पर एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबब तो हमने ये बात की थी कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी की माइनर आम में लाया करता है और उस माइनर आम का नाम है औरियोन स्पर जिसको औरियोन आम भी कहा जाता है ऑल राइट आई होप इट्स क्लियर नेक्स्ट इज़ आर सोलर सिस्टम हैज़ टेन प्लानट्स नाइन प्लानट्स एट प्लानट्स या फिर ट्वेल्व प्लानट्स सो द आंसर सी इज़ करेक्ट विच इज़ एट प्लैनेट्स, जिनके हमें नाम पता हैं कि मर्करी, वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरनस नैप्टियन प्लूटो सॉरी प्लूटो इज़ अ डॉफ प्लानट बाकी के जो शुरू के आठ मैंने मैंशन किए नीम्स दोज आर दी प्लान ऑफ आर सोलर सिस्टम प्लूटो इज नो मोर कंसिडर्ड अ प्लानट बिकॉज इट इज़ नाउ कॉल्ड एज अ डॉफ प्लानट क्योंकि जो एक प्लानट का जो क्राइटेरिया है उस पर प्लूटो पूरा नहीं उतरता दैट इज़ वाई अब उसको प्लैनेट्स की लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है ऑल राइट आई होप इट्स क्लियर नेक्स्ट इज़ के मर्क्री वीनस अर्थ एंड मार्स आर क्लोजेस्ट टू द सन आर रॉकी प्लानट्स आर स्लो रोटेटिंग प्लानट्स ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव तो हमने ये बात की थी कि शुरू वाले जो हमारे प्लानट्स हैं वो ऑब्वियसली नियरेस्ट टू द सन है और वो बाकी के चार प्लानट्स से कंपेयर किया जाए तो कंपेरेटिवली दीज आर स्लो रोटेटिंग और यह हाई डेंसिटी हमारे प्लैनेट्स हैं एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रॉकी प्लान्स या फिर इन्हें इंफीरियर प्लान्स भी कहा जा सकता है और राइट सो हेयर ऑल आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट विच इज़ ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ दीज प्लान हैव रिंग्स ऑप्शन ए इज़ मर्करी बी इज़ अर्थ सी इज़ सटर्न एंड दी इज़ नन ऑफ दी अबब तो हमने जब सेटन पढ़ा था तो वी नो कि हमने देखा था कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिंग्स हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिंग प्लानट और बाकी के शुरू के जो चार प्लानट हैं जिसमें अर्थ और मर्क्री भी आते हैं तो दीज डो नॉट हैव रिंग्स तो बिकॉज हमने देखा था कि सेटन के पास रिंग हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिंग प्लानट तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आप अगला एम सी क्यों देखिए विच इज़ अबाउट दी कम्पोजिशन ऑफ सन इट इज़ दैट सन इज़ कंपोज ऑफ ए हाइड्रोजन बी हीम सी बोथ ऑफ दीज एंड डी इज नन ऑथ दी अबब सो इन द सेंस क्यू द करेक्ट आंसर इज सी विच इज बोथ ए एंड बी ये हमने देखा था जब हमने सन का स्ट्रक्चर और इसकी ओवरऑल कॉम्पोजिशन पढ़ी थी और राइट नेक्स्ट इज दॉटेस्ट रीजन ऑफ द सन इज़ कॉल्ड ऑप्शन ए कोर ऑप्शन बी फोटोस्फेयर And option C corona. option D none of the above. तो so again here the answer is core. और इसके पीछे इसकी वजह reason ये है core इसलिए hottest region होता है because this is the only part of sun जहाँ पे nuclear fusion reactions होते हैं sun के अंदर all right uh, which is why core is the hottest region of the sun. अब ये MCQ दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है कि nuclear fusion reactions take place in which region of the sun? ऑप्शन ये सेम लगा देते हैं हम तो इसका आंसर होगा कोर नेक्स्ट एम सी क्यू इज़ दैट टेम्परेचर इन द कोर ऑफ सन इज 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री um, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और नन ऑफ दबाब तो हमने देखा था ये कि कोर हमारे सन का हॉटेस्ट रीजन होता है और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सो करेक्ट आंसर इज सी नाउ अगेन द नेक्स्ट एम सी क्यू इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द सन इज ऑप्शन ए अर्थ ऑप्शन बी वीनस ऑप्शन सी प्रोक्जिमा सेंटोराय ऑप्शन डी ऑफ द अबव हेयर द करेक्ट आंसर इज प्रोक्मा सेंटोराय विच इज सी अब यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वीनस को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है तो ऑब्वियसली वीनस सन के ज़्यादा करीब है लेकिन ये बात याद रखनी है कि वो अपनी ब्राइटनेस की वजह से मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है अदरवाइज वीनस इज़ अ प्लानट और अर्थ भी ऑब्वियसली प्लानट है लेकिन जो प्रोक्समा सेंटोरा है दैट इज़ अ स्टार जो कि नियरेस्ट है टू आरथ सन यही सवाल दूसरी तरह भी पूछा जाता है कि विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आर अर्थ आफ्टर सन तो ये भी इसमें भी हमारे सेम ऑप्शन हैं और इसमें भी जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ प्रोक्मा सेंटोराय और राइट या आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि हमारे अर्थ के जो सन के बाद सबसे ज़्यादा करीब स्टार है दैट इज़ प्रोक्मा सेंटोराय और ऑब्वियसली सन के करीब जो सबसे ज़्यादा करीब स्टार है दैट इज़ ऑल्सो प्रॉक्मा सेंटोराए और राइट नेक्स्ट टाइम से क्यू इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ सन इज़ ऑप्शन ए कोरोना ऑप्शन बी कोर ऑप्शन सी फोटोस्फेयर एंड ऑप्शन डी नान ऑफ या पब सो हेयर आंसर इज़ फोटोस्फेयर यू कैन सी हेयर इट इज़ क्लियरली मैंशन के जो हमें सन का पार्ट यलोश ऑरेंजिश पार्ट दिखता है जो विजिबल टू आई होता है हमें दैट पार्ट ऑफ सन इज़ कॉल्ड एज फोटोस्फेयर नेक्स्ट टाइम से क्यों इज़ दैट द टेम्परेचर एट द सर्फेस ऑफ सन इज़ ऑप्शन ए फिफ्टीन मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी One fifty million degrees Celsius, option C, five thousand five hundred degrees Celsius, and option D six thousand five hundred degrees Celsius. So we have seen that the temperature on the surface of the Sun is five thousand five hundred degrees Celsius. So option C is correct. Now our next MCQs are about the planets. Planet nearest to the Sun is option A, Mercury. ऑप्शन बी वीनस ऑप्शन सी अर्थ ऑप्शन डी मार्स तो जाहिर है हमारा सन के सबसे करीब जो हमारा प्लानट है दैट इज़ मर्करी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट टाइम इज़ द फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लानट इज़ ऑप्शन ए जुपिटर ऑप्शन बी मर्करी ऑप्शन सी मार्स ऑप्शन डी अर्थ अब आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो सोलर सिस्टम में फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लानट है दैट इज़ मरकरी अब यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मरकरी और जुपिटर के बीच कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लानट है वो हमारा है मरकरी और जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानट है दैट इज़ जुपिटर अब ये इस तरह भी आप बात याद रख सकते हैं कि जो रिवॉल्विंग टाइम पीरियड ऑफ मरकरी है दैट इज़ 88 डेज़ जबकि Uh, हमने ये कहा कि जुपिटर इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानट उसका अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि उसका रोटेशन टाइम पीरियड है नाइन आवर्स एंड फिफ्टी फाइव मिनट्स सो डू कीप दिस इन माइंड नेक्स्ट इज विच प्लानट हैज़ दी स्मॉलेस्ट डायमीटर अगेन सेम ऑप्शन हैं हमारे पास सो द आंसर इज मर्क्री ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट ऑप्शनस आर जुपिटर मर्करी वीनस अर्थ सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वीनस हमारा ब्राइटेस्ट प्लानट है नेक्स्ट इज़ विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट आप ऑप्शन देख लें आप जाहिर है हमने ये पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट प्लानट है दैट इज़ मर्करी सो बेसिकली मर्करी हमारा स्मॉलेस्ट प्लानट uh, है अलॉन्ग विद दैट इट्स दी फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लानट ऑल्सो इट इज़ नियरेस्ट टू द सन अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखें कि ये नहीं समझेगा कि हमारा मरकरी सन के करीब है तो इस वजह से वो हॉटस्ट प्लानट होगा क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर ये सवाल आता है कि द हॉट प्लानट इज़ ये ऑप्शन देख लें तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़नस वीनस हमारा हॉटस्ट प्लानट है ये बात आपने याद रखनी है और हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ मेजरली कम्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करता है और पूरे उस प्लानेट को हीटअप कर देता है और right? ये बात इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस है जिसका काम है हीट ट्रैप करना जब हमारे इन्वायरमेंट में एटमोसफियर में उसकी कॉम्पोजिशन uh, बढ़ जाती है तो इन दैट केस हम uh, अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग एक्सपीरियंस करते हैं और राइट सो डू रिमेंबर दिस थिंग वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड दॉटेस्ट प्लानेट ऑफ आर सोलर सिस्टम और इसकी ब्राइटनेस की वजह से ही इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और राइट right, तो इसलिए एम सी क्यू आता है कि प्लानट विच इज़ कॉल्ड एंड इवनिंग स्टार और द मॉर्निंग स्टार इज़ ये चार ऑप्शन आगे कोई भी दे दिए जाते हैं तो उसमें आप ऑब्वियसली वीनस को टिक करोगे विच इज़ दी करेक्ट आंसर वीनस की एक और बहुत ख़ास बात है कि ये रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और यू कैन से कि इट रोटेट्स क्लॉक बाकी के तमाम प्लैनेट्स हमारे एंटी क्लाक रोटेट करते हैं सो so, ये भी एम में पूछा जाता है कि विच प्लैनेट रोटेट्स फ्राम फ्राम वेस्ट टू ईस्ट चारों ऑप्शन दे दिए गए अब इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ वीनस या फिर वीनस से रिलेटेड ये भी आ, कहा जा सकता है ये भी हमसे की पूछा जा सकता है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग वीनस इज़ इन करेक्ट ऑप्शन ए इट इज़ हॉटेस्ट प्लानट ऑप्शन बी इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट ऑप्शन सी इट रोटेट्स एंटी क्लॉक वाइज ऑप्शन डी इट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ तो अब जाहिर सी बात है हमने अभी अभी पढ़ा कि ये हॉटेस्ट प्लानट भी है और ब्राइटेस्ट भी है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं जो लास्ट वाली डी स्टेटमेंट है कि इट इज़ नियरेस्ट टू तो अर्थ ये स्टेटमेंट भी करीब है uh, मतलब करेक्ट है ऑल राइट right? तो जाहिर है हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी विच इज़ के वीनस रोटेट्स एंटी क्लॉक क्योंकि वीनस की एक खास डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है कि इट रोटेट्स फ्राम तो वेस्ट टू तो ईस्ट और यू कैन से इट रोटेट्स क्लॉक वाइज एंड ऑल अदर प्लानट्स रोटेट एंटी क्लाक वाइज ना लुक एट दिस एम सी क्यू दी फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट इन आर सोलर सिस्टम इज़ ऑप्शंस आर जुपिटर सटर्न यूरनस डी अर्थ सो द करेक्ट आंसर इज़ डी अर्थ अब इस बात को आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि वी ऑलरेडी नो कि हमारे लास्ट फोर प्लानट्स जो हैं दोज़ आर ह्यूज वो सबसे बड़े प्लानट्स हैं हमारे ऑलराइट right? लेकिन जो हमारे शुरू के चार प्लानट्स हैं उनमें हमारा लार्जेस्ट प्लानट इज़ अर्थ तो यहाँ से ये बात हमें आसानी से याद हो जाती है कि फोर आर दी लार्जेस्ट प्लानट्स और फिफ्थ पे हमारा अर्थ आ जाता है ऑल राइट सो करेक्ट ऑप्शन इज डी अगला एम सी क्यू है द्लानट नियरेस्ट टू अर्थ इज़ ऑप्शन ए मार्स दैन वीनस मर्क्री एंड देन देर इज़ नन ऑफ द अबव तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे दो नियरेस्ट प्लानट्स हैं अर्थ के एक वीनस है और दूसरा मार्स है लेकिन इन दोनों प्लानट्स में से जो ज़्यादा अर्थ के करीब है दैट इज़ वीनस सो करेक्ट ऑप्शन इज़ वीनस एंड अदर एम सी क्यू इज़ वन लीप ईयर इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर डेज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स डेज ऑप्शन डी नाना दी अब अब सो ये बात हम शुरू से ही साइंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लीप ईयर हर चाल चार साल बाद आता है एंड इट इज़ इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स डेज ये वही ईयर होता है जब हमारे पास फेबररी में ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं ओके नाओ लेट्स मूव ऑन दर्थ रोटेशन टाइम पीरियड इज इक्ल टू अब ये आप चारों ऑप्शन देख लें और इनमें से um, क, टिक करें करेक्ट आंसर को सो वी नो के हमारा जो हम राउंड ऑफ करके कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ ट्वेंटी फोर आवर्स रोटेशन टाइम पीरियड है अर्थ का लेकिन अगर हम इसकी एग्जैक्ट मेयरमेंट uh, देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट राइट इस वैल्यू को आप याद रख लें ये इसी तरह ही पूछा जाता है एम सी क्यूज की फॉर्म में नेक्स्ट एम सी क्यू इज़ आर अर्थ हैज़ हाउ मैनी मून्स नंबर वन ऑप्शन ए इज़ टू मून्स ऑप्शन बी इज़ थ्री मूनस ऑप्शन सी इज़ वन मून एंड ऑप्शन डी इज़ फाइव मून्स सो हम ऑलरेडी हमें ये बात मालूम है कि अर्थ के पास सिर्फ एक मून है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट विच इज़ वन मून नेक्स्ट टेम से क्यू इज़ दैट द मून ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ऑप्शन ए टाइटैन जेनीमेड सेंटोरस ऑप्शन डी ल्यूना सो हमें ये बात याद रखनी है कि अर्थ के पास एक मून है जिसका नाम है लूना द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम इज ऑप्शन ए जेनीमेड ऑप्शन बी ल्यूना ऑप्शन थ्री टाइटैन एंड ऑप्शन डी ऑफ़ नानती अहब सो हमारा करेक्ट आंसर है जेनीमेड ये हमारा लार्जेस्ट मून है इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर एंड यू ऑलरेडी नो कि जुपिटर हमारा बिगेस्ट प्लानट है और इसका बिगेस्ट मून है उसका नाम है जेनीमेड और ये हमारे सोलर सिस्टम का भी बिगेस्ट मून है नेक्स्ट इज देंड लार्जेस्ट मून दी सेकेंड बिगेस्ट मून इन आर सोलर सिस्टम इज प्रजेंट इन विच प्लानट ऑप्शन आप देख लें अब हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी सटर्न अर्थ के बारे में हमारा नेक्स्ट एन सी क्यू है कि द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज़ अब यहाँ पे आपको चार वैल्यूज़ दे दी गई हैं इनमें से आपने करेक्ट वैल्यू को टिक करना है सो करेक्ट आंसर इज़ 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अब बात यह है कि ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि द डेंसेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम इज़ आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है सो हीयर ऑल्सो द आंसर इज़ अर्थ और राइट तो आपको ये बात याद रखनी है कि अर्थ हमारा डेंसेस्ट प्लानेट है और इसकी डेंसिटी की वैल्यू कितनी है इट्स फाइव पॉइंट फाइव टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सो द थिंग इज़ कि इसको अक्सर वाटर की डेंसिटी के रिलेशन में बात की जाती है तो अगेन यू शुड नो कि अर्थ इज़ डेंसर दैन वाटर ऑल्सो यू कैन से कि द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज़ ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर so i hope it's clear uh, now uh, earth rotates from east to west west to east none of the above option d remains static so here our answer is jaisa ki humne pehle baat ki thi ki venus hamara ek wide planet hai jo ki clockwise move karta hai बाकी के हमारे तमाम planets anti क्लॉक वाइज मूव करते हैं तो ऑब्वियसली अगर हम एंटी क्लॉक वाइज का डायरेक्शन देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नाउ हेयर आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई आर मिस्टेक दैट है मेड इन प्रीवियस एम सी क्यू जो कि हमने वीनस जब डिस्कस किया था और उसकी डायरेक्शन को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने एक मिस्टेक की थी कि हमने क्लॉक वाइज के साथ डायरेक्शन उसकी गलत मैंशन कर दी थी विच वॉज मैंशन एज वेस्ट टू ईस्ट लेकिन क्योंकि वीनस ऑब्वियसली मूव करता है क्लॉक वाइज तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द स्मॉलेस्ट सॉरी द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लानट इन आर सोलर सिस्टम इज़ ऑप्शनज आते हैं हमारे शुरुआत चार प्लान तो हमने ये बात पढ़ी थी अपनी पिछली वीडियो में भी कि मार्स हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लानट है सबसे जो स्मॉलेस्ट है दैट इज़ मर्क्री एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लानट इज़ आर मार्स तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा मार्स का ऑप्शन करेक्ट है इसी में ही अगर हम लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट की बात करें तो वी ऑलरेडी नो कि जुपिटर हमारा बिगेस्ट प्लानट है इन द सोलर सिस्टम और जो सेकेंड बिगेस्ट प्लानट है दैट इज़ सेटर्न ये भी आपने बात याद रखनी है पूछा जाता है एम सी क्यूज़ में मार्स हैज़ हाउ मैनी मूनस टू फोर सिक्स एट तो हमने ये बात पढ़ी थी कि मार्स के पास दो मूनस होते हैं हमारे अर्थ के पास एक मून होता है जो नेक्स्ट प्लानट है मार्स उसके पास दो मूनस होते हैं और उनके नाम भी हमने याद किए थे एक का नाम था डेमोस दूसरे का नाम था फोबोज सो दीज टू आर द मून्स ऑफ मार्स सो करेक्ट ऑप्शन इज़ टू नेक्स्ट टाइम इज़ द ग्रेट रेड स्पॉट इज़ फाउंड इन विच प्लानट ऑप्शंस आर यूरनस जुपिटर सेटर्न नेपट्टून तो हमें ये बात मालूम है कि ग्रेट रेड स्पॉट ये चीज़ हमने जुपिटर में पढ़ी थी यू कैन ऑल्सो सी हेयर कि इट्स रिटन के द लार्जेस्ट स्ट्राम ऑफ गैस इज़ कॉल्ड द ग्रेट रेड स्पॉट ये जुपिटर में साइंटिस्ट का कहना है कि दीज आर ह्यूज हीस और जब आप उसके सरफेस को देखते हो तो वहाँ पे आपको ग्रेट रेड स्पॉट नजर आता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ जुपिटर जुपिटर हैज़ हाउ मैनी मून्स सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन या सिक्सटी एट तो वी ऑलरेडी नो कि जुपिटर के पास सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मूनस जुपिटर के पास मौजूद हैं और उनकी तादाद है सिक्सटी सेवन इसके बाद सबसे ज़्यादा मूनस सेटर्न में पाए जाते हैं और उनकी तादाद है सिक्सटी टू ऑल राइट और उस जुपिटर के पास फोर बड़े मूनस हैं और उनमें से जो सबसे बड़ा है ये हमने पहले भी बात डिस्कस की है कि जो सबसे बड़ा मून है जपिटर का उसका नाम है जेनीमेड नेक्स्ट इज जपिटर इज़

और जहाँ तक इसके रेवोल्यूशन टाइम पीरियड की बात है तो दैट इज़ अराउंड एलेवन ईयर्स जबकि हमारा जो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लानट मर्करी है उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है अराउंड एटी एट डेज़ और राइट सो अब आपको हो सकता है याद रखने में आसानी हो नेक्स्ट इज़ विच प्लानट इज़ कॉल्ड द रिंग प्लानट अब ये चारों ऑप्शन देख लें और हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सेटरन की रिंग्स काफ़ी विजिबल होती हैं जुपीटर में रिंग्स होती हैं लेकिन वो फेंट होती हैं इतनी विजिबल नहीं होती जबकि सेटर्न की रिंग्स हमें क्लियरली विजिबल होती हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द रिंग प्लानट सो सेटर्न इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम लाइज इन विच प्लानट ऑप्शन्स देख लें आप चारों सो अगैन वी हैव ऑलरेडी डिस्कसड के हमारा जो सोलर सिस्टम का सेकेंड बिगेस्ट मून है दैट इज़ टाइटेन जो कि सैटर्न में लाया करता है लेकिन ओवरऑल सैटर्न के पास 62 टू मूनस हैं नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैटर्न इज करेक्ट ऑप्शन ए इट इज अ गैसियस प्लानट ऑप्शन बी इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑप्शन सी इट हैज़ वाइट स्पॉट्स विच आर कंसिडर्ड एज पावरफुल स्ट्रॉग्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सो अब अब एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को देखें तो यू गेट टू नो कि तमाम स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग सेटर्न सो ऑब्वियसली आर ऑप्शन बी इज करेक्ट जैसे जुपिटर पे ग्रेट रेड स्पॉट था उसी तरह अगर सेटर्न की बात आती है तो उस पर वाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं विच आर कंसिडर्ड एज पावरफुल स्ट्रॉम्स और राइट सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विच वन इज़ द लीस्ट डेंस प्लानट लुक एट दीज ऑप्शंस नाउ इन सब में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सैटर्न अब जो हमारा मोस्ट डेंस प्लानट है वो अर्थ है और जो लीस्ट डेंस प्लानट है दैट इज सैटर्न। ये आपको याद रखनी है दोनों बातें सो हेयर सैटर्न इज़ दी करेक्ट आंसर विच वन ऑफ दैम इज़ दी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यिनर्स ऑप्शन ए इट हैज़ थर्टीन रिंग्स ऑप्शन बी इट हैज़ ट्वेंटी सेवन मून ऑप्शन सी इट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन प्लानट ऑप्शन डी इट इज़ अ गैसियस प्लान ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबल्ड सो इफ यू लुक एट ऑल दी स्टेटमेंट्स वन बाय वन तो हमें ये बात पता चलती है कि ये तमाम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरनस करेक्ट हैं इसको ग्रीन uh, प्लानट कहा जाता है और वो इसलिए भी क्योंकि इसकी एटमॉस्फेयर की जो मेजर कॉम्पोजिशन um, है यानी जो इसकी एटमॉस्फेयर में मेजरली प्रेजेंट गैस है दैट इज मीथेन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन प्लानट और इसमें थर्टीन रिंग्स मौजूद हैं इसके पास ट्वेंटी सेवन मून्स भी मौजूद हैं तो ऑबियसली ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट विच इज़ ऑल ऑफ द अबब विच इज़ द फर्दस्ट प्लानट फ्रॉम दन लुक एट दिज ऑप्शन ऑप्शन ए प्लूटो ऑप्शन बी नेपट्टून ऑप्शन सी यूरेस ऑप्शन डी सेटर्न सो ऑबियसली प्लूटो तो नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉपर प्लानट इट इज़ अ डॉफ प्लानट तो सबसे फारदेस्ट जो आता है दैट इज़ आर एर्ट प्लानट विच इज़ नेपट्ट्यून सो नैप्ट्यून इज़ दी करक्ट आंसर इट लाइज फारदस्ट अवे फ्रॉम द सन नेक्स्ट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम इज ऑप्शन ए जेनीमेड ऑप्शन बी ट्राइटॉन ऑप्शन सी टाइटेन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबर्व सो वी नो कि सेटन में हमारा सेकेंड बिगेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम लाई करता है एंड इट्स नेम इज़ टाइटन नेक्स्ट इज़ दिक्स लार्जेस्ट मून इन आर सोलर सिस्टम लाइज इन विच प्लानट लुक एट दिज ऑप्शन फ्राम ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन इज नेपटून सो हमारा सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है जेनीमेट जो सेकेंड बिगेस्ट मून है वो जो सेटन में पाया जाता है उसका नाम है टाइटन हमारा फिफ्थ बिगेस्ट मून हमारे अर्थ में है जिसका नाम है लूना और हमारे सोलर सिस्टम का सिक्स बिगेस्ट मून नेपट्ट्यून में है जिसका नाम है ट्राइटॉन सो so, ये एमसीक्यू सी क्यू इस तरह तरह भी पूछा जा सकता है कि दिक्सथ बिगेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम इज़ अगेन यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस सो द करेक्ट आंसर इज़ ट्राइटॉन और uh, ये नेपट्टून का सबसे बड़ा मून है और हमारे सोलर सिस्टम का सिक्स सबसे बड़ा मून है ऑल राइट नैप्ट्यून हैज़ हाउ मेनी मूनस लुक एट ऑल दीज ऑप्शन सो आर करेक्ट आंसर इज़ नेपट्टून हैज़ फोर्टीन मूनस अब दोबारा से हम सारे सबके मून्स को रिवाइज करें तो हम ये बात मालूम है कि हमारे अर्थ के पास एक मून है मार्स uh, के पास दो मूनस हैं उसके बाद जुपिटर आता है उसके पास सिक्सटी सेवन मूनस हैं उसके बाद आता है सेटर्न जिसके पास सिक्सटी टू मूनस हैं उसके बाद यूरिनस आता है जिसके पास ट्वेंटी सेवन मून्स हैं एंड देन लास्ट प्लैनेट इज नेपट्यून जिसके पास 14 नॉन मून्स मौजूद हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फोटीन मून्स विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेपट्ट्यून इज़ इन करेक्ट सो नंबर ए इज़ इट इज़ दी कोल्डेस्ट प्लानट ऑप्शन बी इज़

और ये जो वाइट स्पॉट्स वाली स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो इसलिए कि ये वाइट स्पॉट्स वाला करेक्टरिस्टिक फीचर सेटन का है सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दैट ऑफ द वाइट स्पॉट्स फाउंड ऑन नेप्टून नाउ आवर नेक्स्ट एम सी क्यू इज दैट प्लूटो इज अ ऑप्शन ए इज़ नॉन प्लानटरी बॉडी ऑप्शन बी इज़ प्लानिट ऑप्शन सी इज़ स्टार एंड ऑप्शन डी इज़ डॉफ प्लानट सो ये बात हम बार बार डिस्कस करते आए हैं कि प्लूटो एक डॉफ प्लानट है सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट प्लूटो के हवाले से आपने एक और बात याद रखनी है कि प्लूटो के पास मून्स हैं एंड इट हैज़ फाइव मून्स ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट द ग्रेविटी ऑन मून इज ऑप्शन आर वन फोर्थ द अर्थ ग्रेविटी ऑप्शन बी इज़ वन सिक्स द अर्थ ग्रेविटी एंड ऑप्शन सी इज़ हाफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबाब तो ये हमने देखा था कि अर्थ पे वन सिक्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मून हैज़ ऑप्शन ए एन एटमोसफियर ऑफ नाइट्रोजन एन एटमोसफियर ऑफ हाइड्रोजन एन एटमोसफियर ऑफ हीलियम एन डी ऑप्शन इज एन एटमोसफियर हैविंग नेग्लिजल अमाउंट ऑफ इनर्ट कैसेज सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट वो इसलिए क्योंकि अर्थ का वैसे सॉरी मून का वैसे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता एक्सेप्ट दैट देयर आर सम इनर्ट कैसेस ऑल राइट सो हेयर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट एम सिक्यूज आर अबाउट एकिप्सिस सो द एम सिक्यू इज द लूनर एक्लिप्स अकर्स वैन ऑप्शन ए इज वैन अर्थ मूव्स बिटवीन द सन एंड द मून वैन द सन मूव्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून और वैन द अर्थ वैन द मून मूव्स बिटवीन अर्थ एंड द सन ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव सो हेयर ऑब्वियसली आर फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट क्योंकि हमने ये देखा था कि जब लूनर एक्लिप्स होता है तब सन uh, और मून के बीच में अर्थ आ जाता है जिसकी वजह से शेडो बनता है ऑन द मून सो हेयर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट टाइम सीखियो इज दैट लूनर एक्लिप्स अकर्स ऑप्शन ए ऑन अ फुल मून डे ऑन द न्यू मून डे और दाफ मून डे एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव सो हेयर वी शुड नो कि लूनियर एक्लिप्स हमेशा इट ओनली अकर्ज ऑन द फुल मून डे जबकि सोलर एक्िप्स ऑलवेज़ अकर्ज ऑन द न्यू मून डे ऑल राइट सो ये बात आपने याद रखनी है ये एम सी क्यू भी देख लेते हैं कि सोलर एक्लिप्स अकर्ज वैन देर इज़ अ फुल मून देर इज़ अ हाफ मून देर इज़ अ न्यू मून ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सो हेयर यू विल टिक द ऑप्शन दैट सेज देर इज वैन देर इज़ अ न्यू मून ऑल राइट नेक्स्ट इज दैट दी डार्कर रीजन फॉर्म ड्यूरिंग द एक्लिप्स इज़ कॉल्ड एज ऑप्शन ए इज़ अम्बरा ऑप्शन बी इज पेनम्ब्रा ऑप्शन सी इज़ बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबब सो आई टोल्ड यू कि इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा डार्कर पोर्शन है एक्लिप्स का दैट इज़ कॉल्ड एज अम्बरा और जो पार्शल शेडो है दैट इज़ कॉल्ड एज पेनम्बरा नेक्स्ट इज दैट सोलर एक्लिप्स अकर्स वेन ऑप्शन ए इज़ वेन मून मूव्स बिटवीन सन एंड द अर्थ और बाकी के ऑप्शन भी आप देख लें तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए बिकॉज सोलर एक्लिप्स हमेशा तभी आकर होता है जब मून पास होता है बिटवीन सन एंड द अर्थ ऑल राइट बॉडीज विच यूजली फॉल फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एज ऑप्शन ए कॉमेट्स ऑप्शन बी मेट्योर्स ऑप्शन सी मेटोराइट्स ऑप्शन डी कॉन्स्टिशन सो हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट जो ऑब्जेक्ट स्काई से स्पेस से फॉल करते हैं इन इन द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ उन्हें कहा जाता है मेट्योर्स कॉमेट्स आर दी सेलेस्टियल बॉडीज विच मूव अराउंड दी ऑप्शन ए सन ऑप्शन बी मून ऑप्शन सी अर्थ ऑप्शन डी प्लान सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सन बिकॉज दीज आर दी सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड दी सन नेक्स्ट टाइम सीख्यू इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉफ प्लानट ऑप्शन ए इज़ Make make option B is Ceres, option C is Pluto, option D is Homia, and option E is all of the above. So, we have that there are uh, five recognized uh, dwarf planets jinke naam hain, Pluto, Ceres, Homia, Make make, and Eris. Alright, so here the correct option is all of the above. What are the comets made of? Look at all these options. So, here you recall that we have that comets are made of.

सो so हेयर हमने ये बात पढ़ी थी कि कॉन्स्टलेन जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड करेंटली देयर आर 88 एट रेकोगनाइज कॉन्स्टले इन स्पेस एंड द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इज कॉल्ड हाइड्रा सो जो सबसे बड़ी कॉन्स्टेशन है नोन उसका नाम है हाइड्रा ये भी आपने बात याद रखनी है ऑल राइट नेक्स्ट टेम से क्यों इज दैट अर्थ इज़ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सेस अराउंड ऑप्शन ए ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री ऑप्शन बी फिफ्टी डिग्री ऑप्शन सी ट्वेल्व डिग्री एंड ऑप्शन डी इज़ ट्वेंटी फोर डिग्री सो हियर दी करेक्ट ऑप्शन इज़ ए क्योंकि हमने ये देखा है कि अर्थ जो है अपने एक्सेस पर स्लाइटली टिलटेड है और अगर उस डिग्री को मेजर किया जाए तो दैट इज़ अराउंड ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्रीज आर नेक्स्ट एम सी क्यू इज़ दैट हालिज कॉमेट अपियर्स आफ्टर एवरी ऑप्शन ए सेवेंटी सिक्स ईयर्स ऑप्शन बी सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑप्शन सी हंड्रेड ईयर्स एंड ऑप्शन डी इज़ थाउजेंड ईयर्स सो हिययर वी शुड नो कि हाली इज कॉमेट appears after every 75 years all right so here option b is correct another mcq is that the coldest planet in our solar system is aap ye options dekh le ab yahan par aapne ye mistake nahi karni yani aapne neptune ko pick नहीं करना, ये samajh kar ke it is farthest from the sun तो obviously it will be the coldest planet क्योंकि ऐसा नहीं है. अगर हम इसे दूसरे प्लानट्स के साथ कंपेयर करें तो वी गेट टू नो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लानेट यूरिनस है बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉसफियर नो डाउट के नेपट्टियून इज़ वन ऑफ आर कोल्डेस्ट प्लानट्स बट आउट ऑफ ऑल दीज प्लान यूरिनस इज़ द कोल्डेस्ट प्लानट ऑफ आर सोलर सिस्टम जैसा कि हमने पहले भी ये बात देखी थी कि हमारा सेकेंड प्लानट जो कि है वीनस इट इज़ दॉटेस्ट प्लानट ऑफ आर सोलर सिस्टम क्योंकि उसका एटमॉसफियर ही कुछ ऐसा है Uh, उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है जिस जो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ दी हॉटेस्ट प्लानेट उसी तरह हमारे यूरिनस का भी कुछ एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि इट इज़ दी कोल्डेस्ट प्लानट सो अब आप ये बात इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड प्लानट है वीनस दैट इज़ दी हॉटेस्ट प्लानट और जो हमारा सेकेंड लास्ट प्लानट है यूरिनस इट इज़ दी कोल्डेस्ट प्लानट ऑल राइट ओके नाउ आई थिंक कि हमने इस पोर्शन से काफ़ी सारे हमारे एम सी क्यूज़ कवर कर लिए हैं आई रिली होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सो इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच टेक केयर बाय